तो इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ और हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हैं, जिन्होंने अपना दूसरा स्थापना दिवस मनाया आजाद समाज पार्टी का। उनसे बात करेंगे जी। आजाद भाई चलिए शुरू करते हैं। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि आपको हारने पे सहानुभूति दूं या दूसरे स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दूं, थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। नहीं, सहानुभूति की तो पिछले 5000 साल से हम लोग जो है ना उसके तो सहानुभूति के अवसर तो बहुत आए। आगे बढ़ने की लड़ाई है और उस लड़ाई में हम तैयार। एक गरीब का बेटा हूँ तो हारूंगा नहीं, मिट्टी में खेल खेल के बड़ा हुआ, बहुत ठोकरे खाई, रुकूंगा नहीं। और जब तक ये गरीबी जिसमें मैं पैदा हुआ, जिसको मैंने महसूस किया, जब तक ये गरीबी जड़ से नहीं खत्म होगी तब तक आंदोलन रुकेगा नहीं। गैर बराबरी पे जो आधारित व्यवस्था, जब तक उसकी जड़ें नहीं कटेंगी, जब तक इस देश से संघी जो है ना अपना एजेंडा नहीं बदलेंगे या फिर वो उनका आंदोलन निस्तानाबूत नहीं होगा, तब तक इस आंदोलन को मजबूती से चलाएंगे, जब तक इस देश में बहुजन समाज का राज स्थापित नहीं होता। 28 तारीख को मिले थे गोरखपुर में, तो बड़ा ये था माहौल, बड़ा रोड शो शानदार था, ग्रैंड रोड शो मैं उसको कह रहा था, लेकिन वोट नहीं जुटा पाए उतने, जमानत नहीं बची आपकी। मेरी जमानत नहीं बची, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, ये मुझे और काम करने का संघर्ष देगी। लेकिन मैंने तो, क्योंकि हमने मेहनत की, हम नए दल थे, लोग ये सोच रहे थे कि विकल्प को वोट दे जिससे कि बीजेपी आसानी से हार जाए, लेकिन मुझे तकलीफ उन लोगों की है जिन्होंने कई कई 1000 करोड़ रुपए खर्च किए और वो बेचारे आज सत्ता से बेदखल, जिनकी एक एक सीट आई, मुझे उनकी बड़ी तकलीफ है। आपने अरवादिया कह रहे हैं वोट काट दिए, वोट कटवा बन गया। अब मैं कहां वोट कटवाऊं, इस बार तो बहुजन समाज ने विकल्प के तौर पे उनको वोट किया। यही वोट जब हम मेहनत करेंगे अगली बार हमारे खेमे में खड़ा होगा, क्योंकि वो हमेशा वो सत्ता को अपने खेमे में चाहता, इसलिए उसने विकल्प को वोट दिया। इस बार उन्होंने सोचा कि चंद्रशेखर विकल्प नहीं है, इनको वोट नहीं देते, इसलिए इस बार उन्होंने जिनको वोट दिया उनके हालात देख लो क्या है। मेरी वजह से किसी की सरकार नहीं रुकी, हमने मेहनत की, हम जमीन पे आए हैं और लोगों को चुभ रहा है कि गरीबों की राजनीति दोबारा खड़ी हो रही है। कांचीराम साहब का आंदोलन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का खड़ा हो रहा है। मैंने तो बहुत दिन पहले कहा था कि पुष्य मित्र सुंग अकेला बहुत है सम्राट अशोक के राज का नाश करने के लिए, और हुआ क्या आपके सामने। मैंने बहुत दिन पहले कहा था कि आप जब रिजल्ट आएंगे तब आप देखिएगा। मुझे खुशी है कि आजाद समाज पार्टी के लोग मैदान पर डटे, एक धोखे की वजह से देर हुई थी, लेकिन उन्होंने जितना हो सका 10 दिन में संघर्ष किया। हम अगले 5 साल मेहनत करेंगे और करके दिखाएंगे। ट्रेनिंग कैसी, चुनावी ट्रेनिंग सीखा होगा बहुत कुछ? बहुत कुछ सीखा। अब की बार धोखा नहीं खाएंगे, ना बिहार की तरह ना उत्तर प्रदेश की तरह, अब अपने पैरों पे खड़े होंगे। और मैं समझ चुका हूँ कि सामंतियों की जड़ें हर जगह, आरएसएस के लोग हर जगह बैठे हैं सभी दलों में, तो अपने दलों को आरएसएस के लोगों से दूर रखना। आप दिल्ली में भी चुनाव लड़ रहे हैं, अभी आप उम्मीदवार दिखा रहे थे एमसीडी के लिए, तो दिल्ली की क्या तैयारी है? हमने दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में यहाँ की टीम ने, क्योंकि उन्होंने यहाँ मेहनत मजबूती से काम किया है, उन्होंने यहाँ प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार की है, वो प्रत्याशी यहाँ दमखम से जुटे भी हैं, और मुझे उम्मीद है कि मैं भी एक कार्यकर्ता बनके उनके लिए यहाँ काम करूँ, गली गली जाकर उनके लिए वोट मांगूँ, क्योंकि मैं किसी बड़े बाप का बेटा नहीं हूँ, ना महलों में रहता हूँ, मेरा काम है संघर्ष करना और मैं संघर्ष करना जानता हूँ। मुझे विश्वास है कि एक दिन ये समाज डीलर और लोडर और उसके साथ लीडर का फर्क समझेगा। ओम प्रकाश राजभर ऐसे ही बोलते हैं, आपके दोस्त हैं, काशीराम साहब के चेले हैं सब। तो ये चंद्रशेखर आजाद थे जिनका कहना है कि लीडर और लोडर में फर्क महसूस करेगा और बहुजन समाज एक दिन अपने नेता को पहचानेगा, जिन्होंने दावा किया कि वो कभी ना कभी सत्ता में अपनी सरकार जरूर बनाएंगे। इस बातचीत के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। दोस्तों द न्यूज़ वीक के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं।